हेलो गाइज, वेलकम है मेरे एक और नया वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई लोग एंड तक वीडियो में बने रहना। तो जैसे कि मैंने बोला गाइज, क्लैश क्वाड के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा। तो गाइज, पहली बात तो आपका जो पिट का एबिलिटी है वो हेल्पिंग हैंड रखना। इससे क्या होता है, आप जब भी ग्रेनेड या तो फ्लैश फेंकेंगे तो वो 30 मीटर दूर जाएगा। तो इससे क्या होता है गाइज, आप लोग मतलब आपके पास अगर गन भी ना हो तो ग्रेनेड से भी आप लोग बहुत ईजी तरीके से मार सकते हो। और ऊपर से कैरेक्टर में मैं यूज़ करता हूँ यूकोंग यूज़ करता हूँ, हाया तो केली, और गाइज मैं क्ला यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये क्यों यूज़ करता हूँ वो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई लोग, आप लोग को अगर गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है, मोबाइल फ़ोन गिवअवे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई बहुत जल्दी गाइज मोबाइल फ़ोन गिवअवे करने वाले, तो जितने भी बंदे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा भाई के चैनल का, जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसको भी फ़ोन जीतना है। तो चलो गाइज, अभी वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला राउंड में हम लोग को मिलता है गाइज पिस्तौल, ठीक है। अभी पिस्तौल का काम ये है कि मतलब आप लोग को शॉर्ट रेंज में ही लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग M500 लेते हो तो आप लोग शॉर्ट रेंज में नहीं लड़ सकते, ज़्यादातर आप लोग को G1H से ही हेडशॉट खाने का लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर शॉर्ट रेंज का फाइट लेते हो, जैसे कि मैं शॉर्ट रेंज का फाइट ले रहा हूँ, तो मैंने G1H उठाया। तो पहले तो गाइज आप लोग अंधाधुन रश मत करो, पहले वो लोग का पोजीशन देख लो। जैसे कि मैंने देखा गाइज, सामने से 3 बंदे आ रहे हैं और पीछे से एक बंदा घूम के आ रहा है। तो गाइस क्लैश स्क्वाड में यही फायदा होता है, एक बंदा हमेशा घूम के आता है और वही मतलब पूरा स्क्वाड को ले भी सकता है। तो हमेशा गाइस टीम में ऐसे बंदे रखो जो कि एकदम घूम के जाए, ठीक है ना। तो गाइस इधर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, दूसरा बंदा सीधा रश कर रहा था और गाइस उसको भी मैंने काफ़ी ओपी वाला हेडशॉट मारा और यूकोंग बन गया। अभी यूकोंग के अंदर ही मेरे को पड़ गया गाइस। तो इधर तो मैं डाउन हो गया था दो बंदे को लेके, और फूफा के पास शायद से क्ला नहीं था। तो गाइस फूफा ने एक को नॉक किया, लेकिन दूसरे बंदे को देखो गाइस, अभी फूफा भी गाइस अभी मर गया। अभी गाइस देखो गाइस, आप लोग अगर पहला राउंड हार जाते हो तो आप लोग के पास गाइस नेक्स्ट राउंड में गाइस शॉर्ट रेंज खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, ये लिख के ले लेना। तो गाइस सामने वाला टीम जो है वो सीधा आप लोग के ऊपर रश भी कर सकता है, ठीक है, और गाइस घूम के भी एक बंदा रश कर सकता है। तो गाइस मेरे पास है गाइस M60, तो M60 से मैं देखो गाइस एकदम कोने पे जाके एकदम अच्छा खासा डैमेज दूंगा, और सामने वाला टीम गाइस 90% चांस है वो लोग रश कर दे हमारे ऊपर, क्योंकि वो लोग को पता होगा कि हम लोग के पास गाइस शॉर्ट रेंज नहीं होगा। तो हमेशा गाइस पहला राउंड जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना। तो मैं फटाफट गाइस लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सुदीप भाई रश करके खेलो, अभी देखो गाइस थोड़ा दिमाग से भी खेलना पड़ेगा। आप लोग के पास अगर लॉन्ग रेंज है और आप लोग सीधा शॉर्ट रेंज में घुस जाओ तो वो तो भाई बेवकूफ़ी वाला काम होगा। तो देखो गाइस एक बंदा सीधा गाइस देखो राइट में जा रहा था, उसको मैंने काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिया और तब भी मेरे को फुटस्टेप आया। लेफ्ट साइड से एक बंदा रश कर रहा है और ध्यान से देखोगे तो गाइस उसके पास है डबल बैरल। तो गाइस इसको मैंने डाउन कर दिया, बिना कवर लेके आ रहा था। तो हमेशा ऐसे स्ट्रेटजी बना के खेलो कि गाइस देखो मेरे को अगर मतलब मैं डाउन भी हो जाऊँ तो इधर रंग बाजता मेरे को रिवाइव करने के लिए, या तो गाइस कवर फायर करने के लिए कोई तो हो अपना टीम मेट। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाओ, उसके लिए आप लोग को बातचीत करके खेलना पड़ेगा। तो सामने एक बंदा था, उसको भी मैंने डाउन कर दिया और तुरंत गाइस मेरा यूकोंग जो है चार्ज हो गया था और गाइस इधर मैंने ट्रिपल किल मार दिए। तो यही होता है गाइस स्ट्रेटजी से खेलना, हमेशा गाइस अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के खेलो और गाइस बातचीत करके खेलो। अभी क्या होता है देखो, अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो आप लोग अगर हीरोइक पे जाते हो तो गाइस सामने वाला टीम भी गाइस हीरोइक के ही आएंगे। तो ये बहुत अच्छा वाला बात है क्लैश स्क्वाड रैंक का, ठीक है। मतलब अपने टक्कर के बंदे ही आते हैं, वो भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन गाइस जिसका स्ट्रेटजी अच्छा होगा तो गाइस वही जीतेगा। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी हमारे गाइस देखो वो लोग सीधा दो बंदे रश किए, ठीक है, और रश करके हम लोग के दो बंदे गाइस फिनिश कर दिए थे। और हम लोग ने ये मैच कैसे जीता फटाफट देख लो गाइस, ठीक है। और गाइस अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए तो नीचे देखना एक थम्स अप वाला बटन दिखेगा, लाइक करने के बाद गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, गाइस लाल कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब भी गाइस वीडियो अपलोड करूँ या तो लाइव जाऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप लोग को अगर मेरे साथ बातचीत करना है तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके गाइस एक बार फॉलो जरूर कर देना। तो गाइस एक बंदे को मैंने वन टैप दे दिया और दूसरे को बंदे को भी मैंने काफ़ी डैमेज दिया, उधर गाइस रंगबाज ने उसको डाउन कर दिया। अभी गाइस एडवांटेज वो लोग का था लेकिन हम दोनों मिलके गाइस तीन बंदे को नॉक कर दिए। तो गाइस हमेशा अगर रश करना है तो एक साथ रश करो, ऐसा नहीं कि गाइस पहले तू जा, ऐसा करके करोगे तो गाइस आप लोग मरोगे। तो देखो एक ही बंदा बचा था लेकिन मैंने अपने दोस्त को रिवाइव किया, क्योंकि गाइस देखो अभी ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं मर सकते, वन बी वन कोई भी किसी को मार सकता है। तो जैसे कि मैंने ड्रैग लेने का कोशिश किया, उधर रंगबाज ने गाइस हेडशॉट ही मार दिया। तो यही होता है फ़ायदा, आप लोग कभी ऐसा मत सोचना कि वन बी वन हम लोग मार देंगे, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग भी मर सकते हो।
तो देखो गाइस इधर मैंने गलती क्या किया, जिसको भी आप लोग डाउन करो ना तो उसको गाइस पूरा क्लियर किया करो, इससे क्या होता है गाइस वो रिवाइव नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी गाइस आप लोग गेम प्ले एंजॉय करना, गेम प्ले आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो हमेशा गाइस अभी ग्रेनेड तो मैं इतना फेंकता नहीं, ठीक है। ऊपर से गाइस देखते गाइस क्या होता है, एक बंदा गाइस मेरे ही सामने बैठा था, और गाइस ज़्यादा हलचल मत करो, चुपचाप बैठे रहना, ठीक है ना, वो लोग को आने देना। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा आ गया, देखो गाइस मैं लेफ्ट साइड से देख लिया, एक बंदा आ गया और वो राइट साइड में जाके चुपचाप बैठ गया गाइस, और उसको गाइस ग्रेनेड से फट गया वो। तो जैसे ही फटा मैंने ना भाई गलती क्या किया, उसको ना भाई पूरा नहीं मारा और ऊपर चला गया, और ऊपर जाते ही गाइस क्या हुआ, मेरे ऊपर ही ग्रेनेड आ गया, समझ रहे हो गाइस। तो मतलब क्या बोले भाई, मैंने ग्रेनेड से मारा, वो लोग ने भी मेरे को ग्रेनेड से मार दिया। तो बाकी गाइस आप लोग का गेम प्ले भी मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, आप लोग के पास अगर स्किल ना हो तो गाइस मतलब स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आप लोग को नेक्स्ट कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ये राउंड भी हम लोग जीत गए थे, शायद 4-1 से हम लोग जीत गए थे। तो भाई लोग अभी एक बंदा गाइस देखो हमारे फूफा चला रहा है M82B, तो गाइस मेरे ऊपर जो भी रश करेगा पीछे से गाइस कवर फायर देने वाला कोई तो होना चाहिए ना, तो उसका काम करते हैं हमारे फूफा। तो नेक्स्ट राउंड में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि सेंटोसा में मैं रश किया और मैंने डाउन भी किया था, लेकिन फूफा का कवर फायर आया और उसने आराम से गाइस फिनिश कर दिया। तो गाइस इधर हम लोगों ने चौथा जो राउंड था वो भी हम लोगों ने जीत लिया, अब ये लास्ट राउंड है, देखते गाइस कौन जीतता है। आप लोग गाइस वीडियो एंड तक देखना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।